हाय फ्रेंड्स, कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको मैंने काफ़ी जीन्स के बारे में बताया था और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर सेंटर, तो कौन कौन से प्रोटीन अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट काम करते हैं और डॉर्सल एंड वेंट्रल साइट्स बनते हैं। तो हमने ऑर्गेनाइजर के बारे में बात की थी, तो ऑर्गेनाइजर के क्या क्या काम हैं। इनके जो 5-5 मेजर फंक्शन है, अवेलिटी टू बिकम डॉर्सल मेसोडर्म, डैट इज प्री कॉडल प्लेट एंड कॉडा मेसोडर्म, डॉर्सल मेसोडर्म बनना। अवेलिटी टू डॉर्सलाइज द सराउंडिंग मेसोडर्म इंटू लेटरल मेसोडर्म, सराउंडिंग को लेटरल बनाना। अवेलिटी टू डॉर्सलाइज द एक्टोडर्म इंटू न्यूरल एक्टोडर्म, अवेलिटी टू इनिशिएट द मोमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, अवेलिटी टू कॉज द न्यूरल प्लेट, न्यूरल जो न्यूरल प्लेट है उसकी फॉर्मेशन करवाना, डैट इज़ द न्यूरल एक्टोडर्म उसको करवाती है। तो उसके बाद इसकी न्यूरल ट्यूब बनती है और उसके बाद उसका ब्रेन बनता है। सो अगर हम जिनोपियस की बात करें तो काफ़ी टाइम से हम इसके ऊपर ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अदर वर्टिब्रेट्स में द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स जो फॉलो करती है, सेम ट्रेंड चलता है। वंस द डॉर्सल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो एस्टैब्लिश द मोमेंट ऑफ इनवोल्यूटिंग मेसोडर्म एस्टैब्लिश इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो डॉर्सल साइड बनने के बाद मेसोडर्म क्या कर देती है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सो मेसोडर्म डैट माइग्रेट फर्स्ट थ्रू द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप गिव राइज टू इंटीरियर स्ट्रक्चर, द मेसोडर्म माइग्रेटिंग टू द लेटरल एंड वेंट्रल लिप फॉर्म द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर। सो जो स्टार्टिंग में आती है डॉर्सल लिप में वो इंटीरियर बनाएगी, जो उसके लेटर स्ट्रक्चर में जाएगी वो पोस्टीरियर बनाएगी। सो जो सेल ऑफ ऑर्गेनाइजर हैं अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट द 4 सेल टाइप, दैट इज फेरेंजियल एंडोडर्म, हेड मेसोडर्म, डॉर्सल मेसोडर्म एंड डॉर्सल ब्लास्टोपोर। तो ये इनका पता चला है। तो मेन मेन हाईलाइट आपको करके यहाँ बताता हूँ। यहाँ उन्होंने बताया है फॉर्मेशन ऑफ द डॉर्सल मेसोडर्म डैट इज ऑर्गेनाइजर, उसमें काफ़ी जीन एक्टिव होते हैं, तो उसके काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं। स्क्रीटेड प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियर सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर में जो प्रोटीन स्क्रीट होते हैं आर एक्टिवेट द सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन द मेसोडर्म सेल। सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एक्टिव हो जाते हैं जिनके इनकोडिंग द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ आपको टेबल में मेन जो प्रोटीन डिस्कवर हुए हैं इसके बारे में यहाँ पता चल जाएगा, उनका काफ़ी क्रूशियल रोल है। जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन है XLIM-1, X0, OTX2, XBD1, XNF1, तो इसमें प्रोटीन बनते हैं कॉर्डिन, डिक्रोफ, ADMP, FRB, नॉगिन, फ्लोस्टेन एंड एक्स्ट्रा। तो इनके क्या क्या रोल हैं ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे गुशी क्वाइट प्रोटीन, डैट इज़ अ डिफ्यूजेबल प्रोटीन जो है ऑफ द ऑर्गेनाइजर, डैट इज़ BMP इनहिबिटर। सो जो गुशी क्वाइट है मस्ट एक्टिवेट दो जीन इनकोडिंग द सॉल्युबल प्रोटीन डैट फंक्शन टू ऑर्गेनाइज द डॉर्सल वेंट्रल एंड इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये हमें पता है। तो डॉट प्लेटर का एक्सपेरिमेंट यहाँ शो करता है एम्ब्रो आर प्लेस्ड इन द हाई साल्ट सोल्यूशन, मेसोडर्म विल इवेजिनेट रैदर देन इनवेजिनेट एंड विल नॉट अंडरलाइन द एक्टोडर्म, सच एक्टोडर्म इज नॉट अंडरलाइन बाय द नोटोपोर एंड डज नॉट फॉर्म द न्यूरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ साल्ट कंसनट्रेशन की उन्होंने बात की है। तो रिसेंट जो स्टडी हुई है रिजल्टेंट इन द रिमार्केबल नॉन ऑब्वियस कंक्लूजन द एक्टोडर्म एक्चुअली इंड्यूस टू बिकम एपीडर्मल, तो एजेंट ऑफ दिस इंडक्शन दैट इज अ बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन। सो द नर्वस सिस्टम फॉर्म फ्रॉम द रीजन ऑफ एक्टोडर्म डैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एपिडर्मल इंडक्शन, इन अदर वर्ड द डिफॉल्ट फेट ऑफ द एक्टोडर्म टू बिकम न्यूरल, सर्टेन पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इंड्यूस द एक्टोडर्म टू बिकम एपिडर्मल टिश्यू, ऑर्गेनाइजर टिश्यू एक्ट बाय सीक्रेटिंग मॉलिक्यूल डैट ब्लॉक दिस इंडक्शन देयर बाय अलोंग एक्टोडर्म प्रोटेक्टेड बाय दोज फैक्टर टू बिकम द न्यूरल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजर एक्टोडर्म को न्यूरल प्लेट बनाने में ही हेल्प करवाता है। अगर ऑर्गेनाइजर में जीन एक्टिव नहीं होंगे प्रोटीन नहीं बनेंगे तो
न्यूरोप्लेट नहीं बने। नेक्स्ट जो है डेट इज नॉगिन। नॉगिन जो प्रोटीन है इन 1992 फर्स्ट सॉल्युबल ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल आइसोलेट किया गया था। कंस्ट्रक्टेड ए सी डी एन ए प्लाज्मिक लाइब्रेरी फ्रॉम द डॉर्सलाइज्ड कैस्ट्रोले। तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रोटीन को स्टडी किया था। तो स्मिथ एंड हॉर्लैंड जो थे उन्होंने नॉगिन जीन के बारे में बताया। शो डैट द न्यूली ट्रांसक्राइब्ड नॉगिन मैसेंजर आरएनए इज फर्स्ट लोकलाइज इन द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप एंड देन बिकम एक्सप्रेस इन द नोटोकोड। सो इंजेक्शन दिया उन्होंने नॉगिन मैसेंजर आरएनए का इनटू वन सेल यूवी इरेडिएटेड एम्ब्रियो। कंप्लीटली रेस्क्यूड द डॉर्सल एक्सिस एंड अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो। तो यहाँ एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट करवाने वाली प्रोटीन है डेट इज द नॉगिन दैट इज फाउंड बाय द नॉगिन जीन। सो मैसेंजर आरएनए जो यहाँ बना है नॉगिन प्रोटीन सजेस्ट स्ट्रॉन्गली डैट इट इज क्रिएटेड प्रोटीन। स्मिथ एंड हिज कलीग्स ने नॉगिन कुड अकम्प्लिश आर टू मेजर फंक्शन। स्वीन मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट भी है। इंट्रोड्यूस द डॉर्सल एक्टोडर्म टू बिकम न्यूरल टिश्यू एंड डॉर्सलाइज मिजोडर्म सेल डैट वुड अदरवाइज कंट्रीब्यूट वेंट्रल मिजोडर्म। तो ये क्या करता है एक्टोडर्म को न्यूरल स्ट्रक्चर बनाता है डॉर्सलाइज कराता है वेंट्रलाइजेशन नहीं होने देता। तो नॉगिन जो बी एम पी फोर एंड बी एम पी टू के साथ वाइंड करता है एंड इनहिबिट देयर वाइंडिंग टू रिसेप्टर। तो अगर बी एम पी टू एंड बी एम पी फोर एक्टिव होंगे तो मैंने आपको बताया यहाँ वेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो ये वेंट्रलाइजेशन को रोकती है और डॉर्सलाइजेशन करवाती है। नेक्स्ट वी हैव द कॉर्डिन एंड नोडल रिलेटेड थ्री प्रोटीन जो है। द सेकेंड ऑर्गेनाइजर प्रोटीन है डेट इज द कॉर्डिन। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द क्लोन ऑफ सी डी एन ए हुज मैसेंजर आर एन ए वर प्रेजेंट इन द डॉर्सलाइज बट नॉट इन वेंट्रलाइज। सो इनको यहाँ किया गया था। द कॉर्डिन मैसेंजर आर एन ए जो है वॉज फाउंड टू लोकलाइज इन द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप एंड लेटर इन द डॉर्सल मिजोडर्म ऑफ द नोटोकोड। नोटोकॉर्न की डॉर्सल मिजोडर्म में और ब्लास्टोलिप में फर्स्ट इसको देखा गया था। लाइक द नॉगिन कॉर्डिन बाइंड करती है डायरेक्टली बी एम पी टू एंड बी एम पी फोर के साथ एंड प्रिवेंट देयर कम्प्लेक्सिंग विद देयर रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग नहीं होने देती बी एम पी टू एंड बी एम पी फोर के साथ। अगर जेब्रा फिश की बात करें ए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ कॉर्डिन। तो कॉर्डिन म्यूटेंट प्रोटीन जहाँ बनती है कॉर्डिनो ग्रेटली रिड्यूस द न्यूरोप्लेट एंड इन लार्ज रीजन ऑफ वेंट्रल मेसोडर्म। सो न्यूरल रिलेटेड थ्री नोडल रिलेटेड थ्री एक्स एन थ्री सिंथिसाइज बाय द सुपरफिशियल सेल ऑफ द ऑर्गेनाइजर एंड ऑल्सो ब्लॉक द बी एम पी फोर। तो मेरा यहाँ बोलने का क्या मतलब है कि जो आपकी कॉर्डिन है और एक यहाँ एक्स एन आर थ्री है और नॉगिन, ये तीनों जो प्रोटीन है ये बी एम पी टू एंड बी एम पी फोर को इनहिबिट कराती है, इसकी एक्टिविटी को रोकती हैं और न्यूरल प्लेट की फुल डेवलपमेंट कराती है और डॉर्सलाइजेशन करवाती है। वेरी नेक्स्ट वी हैव द फॉलीस्टैटिन प्रोटीन। द फोर्थ ऑर्गेनाइजेस्ट क्रिएटर प्रोटीन इज द फॉलीस्टैटिन। इसको उन्होंने इन्वेंट किया था इन द ऑर्गेनाइजर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डैट वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। एक्सीडेंटली ये रिपोर्ट हुई थी। तो यहाँ पे क्या बात हुई, वांटेड टू सी द वेदर द प्रोटीन एक्टिव इन वाज क्रूशियल फॉर मिजोडम इंडक्शन। सो दे कंस्ट्रक्टेड ए डोमिनेंट नेगेटिव एक्टिविन रिसेप्टर इंजेक्टेड इनटू जिनोफियस एम्ब्रियो। एक्टिविन का जो उन्हें रिजल्ट देखना था। सो रिमार्केबली एक्टोडर्म ऑफ दोज एम्ब्रियो बिगेन टू एक्सप्रेस न्यूरल स्पेसिफिक प्रोटीन। सो इट अपेयर डैट द एक्टिविन रिसेप्टर नॉर्मली फंक्शनल टू वाइंड द इनहिबिटर ऑफ न्यूरलाइजेशन किसे बाइंड करते हैं। वेन इट्स फंक्शन इज ब्लॉक्ड ऑल द एक्टोडर्म बिकम न्यूरल। तो यहाँ एक्टिविन प्रोटीन की बात हो रही थी पहले, अगर वहाँ पे आपका रोल नहीं हो रहा काम नहीं कर रही तो वहाँ न्यूरलाइजेशन चलेगी, अगर एक्टिविन काम कर रही है तो न्यूरलाइजेशन नहीं होगी। सो देर बाय प्रोड्यूसिंग द इनहिबिटर डैट बाय ब्लॉकिंग द न्यूरलाइजेशन। सो डैट्स सो वाई
बिकम एपिडर्मल स्किन, तो न्यूरो स्ट्रक्चर नहीं बनता, एपिडर्मल ही बनती है। सो ऑर्गेनाइजर सम हो प्रिवेंटेड द एक्टोडर्म सेल टू बिकम इंड्यूस। दिस मॉडल वाज सजेस्टेड बाय एक्सप्लेन सम सेल डेसिकेशन एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो फिर उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे द लीडिंग कैंडिडेट फॉर द एपिडर्मल इंड्यूसर द बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 4, ये आपको पता है BMP4 जो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर बनाता है, एक्टोडर्म नहीं बने देता। तो इसके एंटागोनिस्टिक रिलेशन BMP4 एंड ऑर्गेनाइजर के साथ है, तो इसको अगर इंजेक्ट करेंगे तो वो एपिडर्मल टिश्यू ही बनेगा। सो बिन द BMP4 वाइंड टू द एक्टोडर्मल सेल, इट एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन सच एज द MSX1 विच इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ एपिडर्मल स्पेसिफिक जीन वाई इनहिबिटिंग दोज जीन डेट वुड इंड्यूस द न्यूरल स्ट्रक्चर। सो जब ये बाइंड कर जाता है तो कुछ जीन एक्टिव करवा देता है, तो उसका यहाँ नाम लिया उन्होंने, डेट इज MSX1। तो ये डॉसलाइजेशन नहीं होने देता। सो इन द मेसोडर्म BMP4 एक्टिवेट द जीन सच एज द XVENT1 विच गिव राइज म्यूटोडर्म टू वेंट्रल फिनोटाइप, उससे मेसोडर्म वेंट्रली बनती है। सो द लो डोज ऑफ BMP4 अपीयर टू एक्टिवेट द मसल फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट लेवल इंस्ट्रक्ट द सेल टू बिकम किडनी, एंड हाई डोज एक्टिवेट दो जीन डेट इंस्ट्रक्ट द मेसोडर्म टू बिकम ब्लड सेल। तो दिस इज द मेन। सो BMP4 का इंजेक्शन और इसकी क्या क्या इसकी डोज है, अगर BMP4 का लेवल देखो आप लो है मसल बनेंगे, इंटरमीडिएट है किडनी बन जाएगा, हाई डोज है तो ब्लड सेल बनेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो इसको इंट्रैक्शन ऑफ BMP4 कमिंग फ्रॉम द वेंटर एंड लेटर मेसोडर्म विद BMP4 एंटागोनिस्टिक रोल है। तो वेंटर एंड डोर्सल साइड में BMP का लेवल ज्यादा है, नॉगिन का इंटरमीडिएट है, तो डोर्सल में कॉर्डिन का लेवल ज्यादा है। सो यहाँ आप देख सकते हो BMP4 वेंट्रल साइड में ज्यादा है, कॉर्डिन डोर्सल साइड में है। सो वेंटर ब्लड मेसेनकाइम XVENT1 बना रही है और डोर्सल लेटरल मसल MBF5 बना रही है, वेंट्रल लेटरल प्रोटीन EVENT2 बना रही है, डेट इज द किडनी। सो यहाँ पे क्या बात आती है, BMP4 आर एक्टिव इंड्यूजर ऑफ वेंटर एक्टोडर्म एंड वेंट्रलाइजर द मेसोडर्म एंड द नॉगिन कॉर्डिन एंड फॉलीस्टैटिन कुड प्रिवेंट दिस फंक्शन। सो यहाँ फॉलीस्टैटिन का भी फंक्शन पता चल रहा है। तो एक तो मैंने नॉगिन की बात की, उसके बाद कॉर्डिन और न्यूली वी हैव द फॉलीस्टैटिन, ये तीनों प्रोटीन BMP4 का फंक्शन रोकती हैं और न्यूरल इंडक्शन करवाती हैं। द डिफ्यूजेबल प्रोटीन ऑफ द ऑर्गेनाइजर 2 डेट इज द BNT इनहिबिटर। नेक्स्ट वी हैव, तो इट हैड बीन थॉट दैट ऑल द न्यूरल टिश्यू इंड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजर वर इंड्यूस्ड टू बिकम फॉरवरिन एंड दैट द नोटोकॉर्ड रिप्रेजेंटेड द मोस्ट इंटीरियर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर, हाउएवर मोस्ट ऑफ द इंटीरियर रीजन ऑफ हेड एंड ब्रेन आर अंडरलेन नॉट बाय नोटोकॉर्ड बट बाय द फेरिंजियल एंडोडर्म एंड हेड। सो दिस एंडो मेसोडर्म कॉन्स्टिट्यूट द लीडिंग एज एंड डोर्सल ब्लास्टोलिप। रिसेंट स्टडी हैज शोन दो सेल नॉट ओनली इंड्यूस द मोस्ट इंटीरियर स्ट्रक्चर बट दे डू इट ब्लॉकिंग द BNT पाथवे एज वेल एज ब्लॉकिंग द BMP4। कहने का मतलब है जो इंटीरियर स्ट्रक्चर बनाते हैं वो BMP4 पाथवे और BNT पाथवे को रोक देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेरिवरस। सेरिवरस के बारे में बात हो रही है, तो 1996 में बोइचमिस्टर एंड द क्लीग, इंडक्शन ऑफ द मोस्ट इंटीरियर हेड स्ट्रक्चर कुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द सीक्रेटेड प्रोटीन, यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर बनने का जो रोल है वो सेरिब्रस प्रोटीन करवाती है अगर इसका लेवल है। अनलाइक अदर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजर द सेरिब्रस प्रोटीन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट ग्लैंड, सीमेंट ग्लैंड बनाती है इसमें मोस्ट इंटीरियर रीजन ऑफ द
टेडपोल एक्टोडर्म, आईज एंड ऑल्फैक्ट्री प्लैकोड। सो व्हेन द सेरिब्रस मैसेंजर आरने वाले डिटेक्टर ऑन द वेजिटल वेंट्रल जिनोपस, तो 32 सेल में दिया था एक्टोपिक हेड यहाँ बन गया था। तो यहाँ आपको याद रखना होगा जो सेरिब्रस है ये इंटीरियर स्ट्रक्चर बनाएगा हेड वगैरह, अगर इसका अप्रोप्रिएट लेवल होगा। सो द सेरिब्रस जीन जो है एक्सप्रेस्ड इन द फ्रिंजियल एंडोमेजोडर्म में एंड डेट अराइज फ्रॉम द डीप सेल एंड अर्ली ब्लास्ट डॉर्सल लिप एंड द सेरिब्रस प्रोटीन कैन बाइंड बोथ BMP4 एंड XVNT8, इसके साथ जीव बाइंड कराते हैं। लास्ट में एक प्रोटीन है FRZB एंड डिको डिकोफ। तो सेरिब्रस को डेमिस्टोर किया गया था दो प्रोटीन जो हैं FRZB एंड डिकोफ, डिस्कवर टू सिंथेसाइज इन द इनवोलेंटिंग मिजो एंडोमिजोडम। सो द FRV जो है इसको फ्रिजवी बोलते हैं, स्मॉल सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फ्रिजल्स है, द BNT रिसेप्टर होता है ये। इट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द BNT प्रोटीन इन सोल्यूशन। सो इट इज सिंथेसाइज प्रीडोमिनेटली इन द एंडोमिजोडम बीनीथ द हेड। इफ द एम्ब्रियो मेड टू सिंथेसाइज एक्सेस FRZV, BNT सिग्नल फेल टू ऑकर एंड द एम्ब्रियो लैक द वेंट्रल स्ट्रक्चर एंड बिकम्स ओनली द हेड। तो कहने का मतलब ये है FRZV जो है जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर बनाती है, वेंट्रल स्ट्रक्चर बनाती है, अगर इसका लेवल नहीं होगा तो सिर्फ हेड बनेगा, बाकी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। आगे आता है डिकोफ। डिकोफ बिग हेड मतलब है ये प्रोटीन है अपीयर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द BNT प्रोटीन। इंजेक्शन अगर इसका दें इन द ब्लास्टोसिल कॉज द रिजल्टिंग एम्ब्रियो टू हैव द स्मॉल डिफॉर्म हेड। सो ये हेड का साइज रिड्यूस कराती है। तो यहाँ आप इसकी बाइंडिंग देख सकते हो, FRZV बाइंड हो रही है, इसका रिसेप्टर है ये बाइंड हो रही है XVNT8 के साथ, यहाँ रिसेप्टर बाइंड हो रहा है, DSH प्रोटीन बन रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका लेवल डॉर्सल वेंट्रल डॉर्सल साइड में FRZV डिकॉफ ये इसको कंट्रोल करवा रही है, इनहिबिट हो रही है डॉर्सलाइजेशन और VNT8 वेंट्रल स्ट्रक्चर बना रही है। नेक्स्ट वी हैव द न्यूरोजेनिन। ये की प्रोटीन है इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग द न्यूरल फिनोटाइप इन द एक्टोडर्म, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डैट अपीयर टू एक्टोडर्म इन द एब्सेंस ऑफ BMP आर एबल टू इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ न्यूरोगोगिन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज MSX1 इंड्यूस इन द एक्टोडर्म बाय BMP सिग्नल एबल टू रिप्रेस द न्यूरोजेनिन। सो BMP जो है न्यूरोजेनिन को इनहिबिट कराती है और अगर इसका लेवल नहीं होगा तो BMP इनएक्टिव होगा। सो न्यूरोजेनिन जो है इटसेल्फ ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, काफ़ी एक्टिविटी करवा देता है और इससे न्यूरल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो लास्ट में आप इसको देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक्टोडर्म में अगर BMP का लेवल है, BMP है तो हाई SMAD1 लो SMAD1, तो MSX1 GATA1 वेंट एपिडर्मलाइजिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, LEF1 एक्टिव हो रहा है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर इसका लेवल नहीं है SMAD1 एंड SMAD7, SMAD1 लो होगा SMAD7 हाई होगा, यहाँ पे XLOP2 SOXD न्यूरलाइजिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और ये न्यूरोजेनिन को एक्टिव करा रहे हैं, न्यूरो डी बन रहा है और न्यूरल डिफ्रेंशिएशन हो रही है। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर प्रोटीन एंड देयर रोल। तो दिस इज अप टू लेवल, इट इज एडवांस्ड रिसर्च, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको जिनोपियस की और एम्फीबियन और अदर कॉर्टेट्स की अर्ली गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट आपको क्लियर हो चुकी है, डॉर्सलाइजेशन वेंट्रलाइजेशन। तो थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और